राम राम साहब, मंजूश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पाव भाजी की रेसिपी बनाना बताऊंगी आपको। शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिए, बहुत अच्छी लगती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने हींग ली है, 4 मीडियम साइज का आलू लिया है, ये भाजी का मसाला है, 250 ग्राम गोभी है कटी हुई, 100 ग्राम देसी घी है, घी में भी बना सकते हो, तेल में भी बना सकते हो, मैं घी में बना रही हूँ। 1 चम्मच से नमक है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर है, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर है, मीडियम साइज का 4 टमाटर है, मीडियम साइज का 2 प्याज है। गिलास से मैंने 2 गिलास पानी लिया है। मैंने गैस ऑन कर दिया है, कुकर को चढ़ा दिया है, 1 चम्मच घी डाल के जीरा डाल दिया तड़का देने के लिए, क्योंकि गर्म हो चुका है। ये मैंने आलू डाल दिया है, ये मैंने टमाटर भी डाल दिया है, ये गोभी भी डाल दी है, सब डाल दिया मैंने। ये 2 गिलास पानी था, ये भी डाल रही हूँ, ज्यादा नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच में ज्यादा डाल रही हूँ। सारा सामान डाल दिया है, इसको 2 सीटी तक उबालना है। गैस ऑन कर दिया है, ये कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें देसी घी डाल देती हूँ। गर्म हो गया है, जीरा डाल देती हूँ। ये भी गर्म हो गया है, प्याज डाल देती हूँ। प्याज को लगभग 2-3 मिनट तक भूनना है। ये मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ये हल्दी पाउडर, ये नमक, ये धनिया पाउडर, इसको 5 मिनट तक पकाना है। मैंने भाजी का मसाला लिया 2 चम्मच, 5 मिनट तक मैंने फ्राई किए प्याज भी, अभी मसाला डाल लूंगी। ये मसाला फ्राई हो चुका है, एकदम लाल चुट कलर दिख रहा है, बहुत अच्छा कलर है। ये सारी सब्जियां मैंने कुकर में उबाल के रखी थी, ये डाल देते हैं। पांच मिनट के लिए ढक्कन लगा करके रख देते हैं, इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं। ये भाजी बनकर के तैयार हो गई है, अब इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं ढक लगा कर। ये मैंने गैस ऑन कर दिया है, तवा चढ़ा दिया है, जैसे घी डाल देती हूँ। इसको चेक करते रहना है, एक दोनों तरफ से चेक करते रहना है। ये अच्छी तरह से पक जाएगी, भाजी बन करके तैयार हो गई है। आप भी घर पे बना करके ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।